उपराष्ट्रपति महोदय ने इसका उद्घाटन कहाँ किया, बस इतना ही। वो क्या पूछा, स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का उद्देश्य लिखिए। तो अब आप जो भी करेंट पढ़ें, अब नियुक्ति वाला में ना मिलेगा किन की नियुक्ति किस पद पर की गई, आपको ही पता कि नहीं पूछेगा मेंस में, नियुक्ति से क्या करेगा, नियुक्ति काहे की गई, क्यों की गई, कुछ ऐसी घटना या कुछ संधि समझौता जब भी पढ़िए पीटी के लिए, तो उसको आप 70-80 वर्ड में या 100 वर्ड में लिख लीजिए, ताकि थोड़ा लॉन्ग भी पूछ ले तब भी लिखा जाए, शॉर्ट पूछे तब भी लिखा जाए। अब उसके लिए आपको स्पीडी पढ़ेंगे तो सिर्फ पीटी का सवाल हल होगा, फिर दोबारा सेम करंट पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है छूट भी जाए मेंस में क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है कि अब करंट अफेयर को उस मैगजीन को फॉलो करना है जहाँ डिटेल में हर पॉइंट उसके नीचे उसके बारे में भी 20-25 है, फिर पॉइंट, फिर उसके बारे में 20-25 नीचे मानेंगे हम सबसे, अभिजन सबसे ऊपर। क्रॉनिकल मैटर कम होता है, दिक्कत इस बात का, पहले क्रॉनिकल में मेहनत होता था, अब मेहनत जो है नहीं कर रहा है क्रॉनिकल प्रकाशन में, उसको देख कर यही लगता है कि उसमें मेहनत नहीं है जी, है आज हमारा किस्मत खराब है, इधर से लू आ रहा है गर्म हवा लूक। तो सुनिए, हर रोज क्या कीजिए कि ज्यादा नहीं 10 पॉइंट का रूटीन बनाइए, 10 पॉइंट हमको तैयार करना है, प्रीलिम के लिए तो कर ही लेना है, और उसमें हर पॉइंट पर 10-10 लाइन 20-20 लाइन लिख के रख लेना है। तो 10 पॉइंट 10 करंट डेली, अभी से 3 में अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, हो सकता है डेट आगे है, पर आपको 30 सितंबर के लिए तैयार रहना है, यानी पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, 3 महीना, सितंबर 15 दिन तो आपको, कभी कभी इधर लगन चल रहा है तो शादी ब्याह में, किसी का बर्थडे, किसी का एनिवर्सरी, यही में घूमते फिरते मान लीजिए कि, फिर रक्षाबंधन के लिए एक दिन जाइएगा, कई कारण हो जाता है कारण, जन्माष्टमी होगा कृष्ण जन्माष्टमी, तो कुछ लोग पूरे दिन उपवास कर लेंगे, तो पढ़ाई ना होगा, सब मिला के 15 दिन काट ही लीजिए, 3-3.25 महीना आपके पास वक्त है, तो 90 दिन, 100 दिन आपके पास, 100 दिन का समय है जी, आपके पास 100 दिन का समय है। अब इस समय में अगर रोज आप 10 करंट को आप पीटी के लिए भी तैयार करते हैं, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन अध्यक्षता किए और उद्देश्य क्या है, 10 लाइन में तैयार की, और तो ये कितना हो जाएगा, 100 × 10 1000, 1000 पॉइंट आपका तैयार हो जाएगा मेंस के लिए पीटी में। अरे 10 पॉइंट तो करिए पीटी मेंस दोनों के लिए, और इसके बाद आप प्रीलिम के लिए जितना पढ़ सकते हैं फैक्ट, कौन किस पद पर नियुक्त हुए, कौन सा अभी वर्तमान में नया रेलवे स्टेशन बना है जो कंप्लीट 16 जिसे चल रहा है, ग्रीन एयरपोर्ट कौन घोषित हुआ है, नहीं होता है, पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना केरल का कोल्लम, मतलब इस टाइप का जीके है ना, तो और जीके अलग से कर लीजिए। तो सब मिला के 30-40 पॉइंट रोज तैयार करना है आपको पीटी के लिए, लेकिन 10 पॉइंट का डिटेल में भी लिखना है, ठीक। तो 1000 पॉइंट आप पीटी से पहले लिख जाएंगे, पढ़ के यादव हो जाएगा, क्योंकि पीटी देना है, और बाकी 40 पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ कि पीटी में थोड़ा 30 क्वेश्चन पूछेगा, तो 30 क्वेश्चन मानिए तो 100 दिन तो कितना हो जाएगा, 3000 करेंट अफेयर का पॉइंट अगर याद हो जाए आपको, तो क्या हो जाएगा, परीक्षा में हमें लगता है कि 30 में से 25 से ऊपर आपका सवाल एकदम याद हो जाए, ये याद मतलब खाली पढ़ा हुआ नहीं, रटा हुआ। तो मुझे लगता है कि 30 पॉइंट रोज याद करना कौन बड़ा पॉइंट बात है, 30 को करंट अफेयर का लाइन याद करना, जिसमें से 10 को तो ही रहेगा, 20 को नया और 10 को तो ही जिसमें जिसको आपने डिटेल किया है, 10 तो ही रहेगा डिटेल, 20 को एक्स्ट्रा, तो 10 को डिटेल और 20 को एक्स्ट्रा, इसको याद करने में मुश्किल से, तैयार करके याद करने में मुश्किल से 3 घंटा, क्यों जी, 10 को पॉइंट के अगर उसी में से उतार उतार के लिखना है, बढ़िया मैगजीन मिल जाएगा तो अपने से तो उतारना नहीं पड़ेगा, उतार उतार के लिखना है तो कितना, 3 घंटा बहुत है, लिख के याद करने तक में 3 घंटा बहुत है जी,
तो ये तैयार हो जाएगा 1000 पॉइंट मेंस के लिए पीटी के पहले। अब जैसे पीटी आप देंगे, पीटी आपका हो रहा होगा तो 2 महीने का वक्त और मिल जाएगा आपको। अब एक बात बताता हूँ आपको बहुत बढ़िया शंकर, ये तो फैक्चुअल चीज़ है, बादलों के प्रकार कौन बादल कहाँ बनता है कैसे, पहले समझिए बात इसको। 2 महीना आगे मिलेगा, जो दिसंबर में बोले हैं पेपर ले लेंगे, अक्टूबर और नवंबर 2 महीना का वक्त मिलेगा 60 दिन का। उसके बाद उस 60 दिन में भी अगर आप करंट का और नया पॉइंट तैयार करें तो मान लीजिए कि 500 पॉइंट आप मेहनत करेंगे तो तैयार हो जाएगा। तो 1500 पॉइंट का अगर डिटेल तैयार हो गया है तो उसमें तैयार हो जाएगा आपका, चूँकि करंट मतलब खाली मतलब पॉलिटिकल करंट नहीं, करंट का मतलब पॉलिटिकल करंट नहीं, इकोनॉमी का करंट, साइंस टेक का करंट, इन्वायरमेंट का करंट, यानी कि जीएस का, इंटरनेशनल रिलेशन का करंट, जीएस का जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर गुरु, उसका सेक्शन बी कंप्लीट तैयार, जीएस सेकंड पेपर का सेक्शन बी और सेक्शन सी पूरा तैयार, क्योंकि सेक्शन बी भी अब इकोनॉमी करेंट इकोनॉमी पूछता है। गया दिन जब पूछता था बिहार में गरीबी के कारण लिखी, ठीक है, तो भैया पॉलिटी में भी कुछ करेंट मान लीजिए आ जाता है, सेक्शन ए भी मान लीजिए थोड़ा, तो यहाँ 114 नंबर, यहाँ 114 नंबर, यहाँ 72 नंबर, यहाँ मान लीजिए कि 38 नंबर मान लीजिए, 340 नंबर, 600 नंबर के जीएस में 350 के आसपास नंबर आपका यही कवर कर रहा है 1500 करंट का पॉइंट। देखिए कितना बेहतरीन स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको, कितना आसान चीज़ बता रहा हूँ आपको पास करने का एग्ज़ाम, लेकिन ये करना पड़ेगा। हम भी नहीं करेंगे तो यही करेंगे, मतलब हम नहीं करेंगे तो मेरा भी नहीं होगा। सच पूछिए तो जो पैटर्न नया आ गया, सब लोग इक्वल हो गए इस धरातल पर, कोई अब कोई ना टीचर रहा न स्टूडेंट रहा। आप अभी भी मेंस देंगे तो हो सकता है हमको आप फाइट करके आगे निकल जाएं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम भी तैयार करेंगे तब, जो हम तो पढ़ाते रहते हैं तो हमसे तैयार होगा नहीं। आप कमरे में पढ़ते तो होता हमसे बढ़िया आप तैयार कर लें और बेहतर कॉपी लिख दें, सच्चाई बात है ये, इसमें कोई हमको ये करना नहीं है। एक तो ये हो गया, तो आप लोग को ये काम आज से ही करना है, आज से 10 पॉइंट है तो आज दिन का आधा निकल गया है तो 5 पॉइंट आज लिख लीजिए, अब बाकी कल से वो रूटीन फॉलो कीजिए। और दूसरा पॉइंट कि अब जीके पढ़ते हैं आप तो भारत का भूगोल लगा है, अभी तो हम मेंस के लिए तो भूगोल पढ़ाया नहीं आपको, अभी जो पढ़ा रहे हैं वो प्रिलिम में आएगा खाली, क्योंकि साफ साफ मेंस एग्जाम के सिलेबस में मेंशन है कि केवल भारत का भूगोल, मेंस में विश्व के भूगोल से कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक केवल भारत का भूगोल आता है। अब भूगोल आता नहीं सिलेबस में वही आएगा क्या, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए भूगोल में हम पढ़ा दिए टॉपिक भारत का मानसून, तो मानसून में जो जो पॉइंट, सबसे पहले मानसून कहाँ आता केरल में, सबसे पहले बाद में कहाँ से लौटता है केरल से, सबसे बाद में कहाँ जाता है मानसून तो पंजाब में, सबसे पहले कहाँ से लौटता है पंजाब से, ये सब फैक्ट है, इसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। मानसून विस्फोट की घटना कहाँ होती है, प्री मानसून में मावट किस कहाँ बोलते हैं, प्री मानसून को कहाँ बोलते हैं, नॉर्वेस्टर कहाँ बोलते हैं, मैंगो सावर, इधर पूछा भी पीटी में, इधर पीटी में पूछा था ना जी मैंगो सावर, इधर मैंगो सावर कहाँ बोलते हैं, टी सावर कहाँ बोलते हैं, ये सब पीटी है। लेकिन व्हाट इज प्री मानसून, आप पूछा था प्री मानसून क्या है तथा इससे होने वाले प्रभावों को स्पष्ट करें, तो क्या हो गया मेंस, तो कहने का मत जैसे पूछ लिया इतिहास में 1858 का अधिनियम, हिस्ट्री में क्या पूछ लिया 1858 का अधिनियम, तो आप 1858 को आज तक क्या पढ़ते थे अधिनियम को प्रिलिम के लिए, हो सकता है अगली बार पूछ ले लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा किए गए कार्यों को लिखें, या भारत में रेल के विकास से क्या क्या फायदे हुए, भारत में प्रेस के विकास से क्या क्या फायदे हुए, समझ में आ रहा है बात, यानी कहने का मतलब अब आप कांग्रेस की स्थापना पढ़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बाद भारत में राष्ट्रवाद किस प्रकार से मजबूत हुआ, कांग्रेस के स्थापना के बाद देश में देशभक्ति की भावना, राष्ट्रवाद, यूनिटी, इंटीग्रिटी, इन सब चीज़ों की जो भावना थी वो किस प्रकार कांग्रेस के आने के बाद ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा, समझ आ रहा है बात, मतलब आपको एक
कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करनी है, जिसमें आप सिर्फ स्पेक्ट्रम नहीं बल्कि स्पेक्ट्रम के साथ साथ बिपिन चंद्रा के आधुनिक भारत का इतिहास आता है कहानी टाइप का। बिपिन चंद्र एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनका एनसीईआरटी भी आता है, उनका प्राइवेट किताब भी आता है। एनसीईआरटी तो पढ़िए लीजिए जरूरी है, साथ में उनका प्राइवेट किताब भी आता है, वो भी आप एक बार अध्ययन कर लीजिए, ठीक है ना। तो मतलब आप अगर आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी और बिपिन चंद्रा वाली किताब, तो स्पेक्ट्रम पढ़ने की जरूरत वैसे नहीं है। स्पेक्ट्रम क्यों पढ़ते हैं? फैक्ट के लिए। स्पेक्ट्रम में कॉन्सेप्ट थोड़े ना बेहतरीन तरीके से दिया रहता है। स्पेक्ट्रम देखिए फैक्टों का जाल है, कोच कोच के फैक्ट दिया रहता है, ऐसा आप देखिएगा पढ़िएगा तो। मैंने पढ़ के आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आता, अब टॉपर बता दिया तो जबरदस्ती बैठ के पढ़ रहे हैं कि स्पेक्ट्रम पढ़ने से इतिहास मजबूत हो जाता है, आखिर कुछ बात है तभी ना टॉपर बता रहा है भैया। लेकिन बिपिन चंद्रा का अगर किताब पढ़िएगा, वो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, वो लिखे हैं तो पूरी कथा के साथ लिखे हैं, आखिर हुआ क्या था उस रात कि सिपाही निकल गए थे मेरठ से दिल्ली की ओर। उस रात क्या हुआ कि सिपाही निकल गए दिल्ली बहादुर शाह जफर से मिलने, 85 सैनिकों को जेल भेजा गया, चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल न कर रहे थे इसलिए। अगले दिन जब मार्केट में निकले सिपाही मार्केटिंग करने के लिए, तो मेरठ की महिलाओं ने कहा, छी तुम्हें शर्म नहीं आती, यही शब्द का प्रयोग है, छी तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम्हारे भाई जेल चले गए और तुम मार्केटिंग कर रहे हो। अब महिलाओं की बात लग जाता है दिल पर, अगर यही बात पुरुष बोला हो तो लड़ाई हो जाता, महिला बोली तो कुछ कर गुजरने की बात है। अब तो वहाँ से निकल गए बाजार छोड़ के। उसी दिन शाम को 4 बजे मेरठ छावनी से लोग 10 मई को जने मिला अंग्रेज के दफ्तर आग लगा दिए, जहाँ मिला अंग्रेज उसको उड़ा दिए गोली से, उड़ाते पुड़ाते दिल्ली से पूरी रात चल के, मेरठ से दिल्ली बस से 2 घंटे का रास्ता है, अगर बस कहीं ना रुके जाम ना मिले, क्योंकि पूरा रूट जाम के लिए बदनाम है। मेरठ से दिल्ली के बीच का जो रूट है मुरादनगर और मोदी नगर, ये दो जगह है, मुराद मोदी नगर, आपको रूट चेंज करना पड़ जाएगा, होता पैदल आना पड़ जाएगा, इतनी घनी जाम लगता है वहाँ। हम उस जाम में फंसे, मेरठ पढ़ाने जाते थे, केडी कैंपस कोचिंग था मेरठ में, उनका सेंटर था, हम 6 महीने वहाँ गए थे पढ़ाने, तो जब जाम लगता था तो फिर मुश्किल हो जाता था, तो जाम वाला इलाका, तो खैर पैदल चल रहे थे सैनिक, उस जमाने में उतनी जनसंख्या भी नहीं होगी, तो लोग रात भर में दिल्ली आ गए। तो ये चीज़ स्पेक्ट्रम आपको नहीं बताएगा, स्पेक्ट्रम में ये मज़ा नहीं आएगा, जो मज़ा से आप बिपिन चंद्रा का प्राइवेट किताब, उनका जो है निजी किताब जिसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास या भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट बनाना है, बेहतर करना है, तो बिपिन चंद्रा पढ़िए। स्पेक्ट्रम पता नहीं क्या है, हमको कभी पसंद नहीं आया, हालांकि हम भी उन टॉपरों के चक्कर में 4 बार स्पेक्ट्रम में भी पढ़ लिए, रंगीन कर दिए स्पेक्ट्रम को पढ़ के, लेकिन हमको मज़ा आज तक नहीं आया। पता नहीं आपको आता होगा, अपनी अपनी इंटरेस्ट है भैया, है ना। हम खराब किताब नहीं बोल रहे, हम किताब को खराब नहीं कह रहे, लेकिन हमको इंटरेस्ट नहीं आया। अब आपको आता होगा पढ़िए, हम रोक नहीं रहे पढ़ने से, गलत कुछ नहीं उसके अंदर, पढ़िए आप, लेकिन साथ में बिपिन चंद्रा वाला किताब आप जरूर पढ़ लीजिए, उससे कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो भाई अब जो भी टॉपिक पढ़े, फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं तो पढ़िए फंडामेंटल राइट का क्या उद्देश्य था, क्यों रखा गया संविधान में, और फंडामेंटल राइट को किस हद तक उसको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, राज्य किस हद तक उसको उस पर हावी हो सकती है, कहाँ तक उसकी बाउंड्री है। भाई फंडामेंटल राइट दिया गया राज्य से जनता को स्वतंत्र करने के लिए, राज्य फंडामेंटल राइट अगर ना होता तो स्टेट का क्या होता, स्टेट तनाशाह हो जाती, स्टेट माने सरकार, फंडामेंटल राइट ना होता तो राज्य क्या हो जाती, तनाशाही। हमारा राइट है, जहाँ सरकार हमारे राइट में घुसती है हम तुरंत सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, तो राइट इसीलिए दिया गया था कि जनता के जो अधिकार हैं, मूल अधिकार यानी जनता के जो जीवन को, जनता जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनका मेंटल एंड फिजिकल एंड उनका जो डेवलपमेंट है, यानी उनके जो मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स हैं, जो बेसिक नीड है हर इंसान के जीने के लिए, उसको सरकार कभी भी हस्तक्षेप उसमें ना करे, इसके लिए कुछ फंडामेंटल राइट देते हैं और कहते हैं इसको छीन नहीं सकते आप। तो क्या उद्देश्य थे इसके, इस टाइप से पढ़ना है, क्यों दिया गया, अगर फंडामेंटल राइट पे कोई बैन करता है तो किस हद तक आ सकता है वो। जैसे 24वां संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी क्या बोल दी 1971 में, कि हम संविधान के किसी भी हिस्से में जहां ताएं चाहे वहां संशोधन कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे संशोधन कर सकते हैं। लेकिन तुरंत केशवानंद भारती का बाद आया 1973 में, उसमें क्या कहा गया कि कर सकते हैं, और देखिएगा उसका जो मूल भावना है संविधान का, उसमें कोई चेंज, मतलब आप जब भी पढ़िए प्रिलिम के लिए तो आप उसको दिल से पढ़िए।
क्या है, क्यों है, कैसे है, भाग भाग के नहीं कि कोर्स खत्म कर लेना है जी, किसी तरह से कह दे कि लक्ष्मीकांत तो हम पूरा पढ़ लिए हैं, आप पूछा जाए लक्ष्मीकांत से सवाल तो पूछ बताइए ना रहे हैं। देख दुनिया को दिखाने के लिए ना, लक्ष्मीकांत आधे पढ़िए पीटी तक, लेकिन जब पढ़िए तो ऐसा लगे कि आधा जितना पढ़े पूछ लो तुम, जहाँ से लिखवा लो जहाँ से। मतलब हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी जी तो सब एनसीईआरटी सर रगड़ के रख दिए हैं, सब पढ़ लिए, एक बार पढ़े से एनसीईआरटी होता है क्या, एनसीईआरटी गागर में सागर है, कम जितनी बार पढ़िएगा उतना बार नया बात निकल के आएगा, गीता है एनसीईआरटी, जितनी बार पढ़िएगा ना उतनी बार कुछ नया निकल के आ जाता है, सेम की तबीयत पढ़िएगा तो चार से पाँच बार जब तक एनसीईआरटी ना पढ़ा जाए उतना बढ़िया समझ में नहीं आता, और एक बार पढ़ के क्या बोलते हैं मास्टर से आकर के कि सर साहब एनसीईआरटी रगड़ दी एक बार, हम कुछ ना होगा उससे, कुछ नहीं होगा, आप नहीं पढ़े, एक बार पढ़े मतलब एनसीईआरटी अपना पढ़े, ठीक। तो आपको इस तरीके, अब जिस तरीके का प्रश्न का पैटर्न है, कोई टीचर आपको गेस करके पास नहीं करवा सकता, कोई टीचर नहीं, भारत के किसी भी कोचिंग में चले जाइए नहीं हो सकता, कोचिंग के नोट्स के भरोसे मत रहिए, टीचर के भरोसे मत रहिए, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, आपको अपना भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, भूगोल में, भूगोल का जो सवाल है प्रीलिम में तो खैर नहीं छूटना है आपका क्वेश्चन एक भी, मेंस में जब हम आएंगे भारत के भूगोल में आएंगे तो उस टाइप से हम देखेंगे, अभी तक प्रीवियस पेपर में यूपी बिहार झारखंड तीनों स्टेट में क्या प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को भी डील करेंगे, हर चैप्टर में क्या पूछ, हर चैप्टर में क्या पूछा गया है ये चार पांच राज्यों में, हम उनके प्रश्न को एक बार देख भी लेंगे और आपको बताएंगे कि यही यही प्रश्न इस चैप्टर से आए हैं, इसको कैसे आंसर लिखिएगा वो बता देंगे, ठीक है ना। अब बाकी जब मानसून मान लीजिए अच्छे से समझा दिए तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे कैसे पूछे आप लिख दीजिएगा, क्यों भाई, अब वो जमाना गया जब पूछता था बिहार में बेरोजगारी का क्या कारण है, गरीबी के क्या कारण है, अब जो सुनिए, अब अभी तक ज्योग्राफी से सवाल चार पाँच सालों से नहीं आ रहा था, खाली इकोनॉमी से आ रहा था, अब उनके पास ऑप्शन है ए बी सी डी, अब उनके पास शॉर्ट नोट्स का ऑप्शन है, वो ज्योग्राफी के दो चार प्रश्न पूछने के लिए अब पूछेंगे, अब सोचेंगे कि इग्नोर करके चलें, कुछ मास्टर आपको राय अगर दे रहा है कि भूगोल इग्नोर कर दीजिए नहीं पूछता है तो समझिए कि वो आपका दुश्मन है, वो सही राय नहीं दे रहा आपको, भूगोल का भी उसके पास ऑप्शन अब बन गया, अब इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आ गए कि वो कर सकता है, अथवा में भी डाल सकता है, एक इकोनॉमी का, एक ज्योग्राफी का, फिर एक इकोनॉमी का ज्योग्राफी का, अब पाँच को शॉर्ट नोट्स, वहाँ पर दो तीन भूगोल का वो डाल सकते हैं, यानी खूब इकोनॉमी पूछने का भी उनके पास स्पेस है और खूब ज्योग्राफी पूछने का भी ऑप्शन उनके पास, मतलब क्या जगह है, तो करना है इसको ऐसे करिए, और करेंट से आपका साइंस टेक वाला पोर्शन हो जाएगा, इकोनॉमी वाला पोर्शन हो जाएगा, बाकी करेंट अफेयर और आईआर वाला सेक्शन जो है सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर का सेकंड सेक्शन वो हो जाएगा, तो करेंट को करिए आपका दुख है ही दूर कर देगा, ठीक है ना। अब बाकी बचा हुआ जो 250 नंबर का दुख है, जब भी पढ़िए जीएस का कोई भी पार्ट तो उसको अच्छे से समझ के पढ़िए, डीपीएसपी क्यों रखा गया संविधान के अंदर, ऐसे जाति की भूमिका, बिहार क्रांति में जाति धर्म की भूमिका, क्या अभी भी जाति की भूमिका, ऐसे पूछ सकता है, पहले डायरेक्ट पूछता था बिहार क्रांति में जाति की भूमिका, अब पूछेगा क्या आपको लगता है कि आज भी बिहार की राजनीति, अब बिहार का वोट बैंक जाति के आधार पर फिक्स होता है, क्या आपको लगता है कुछ बदला है, कुछ बदला है या लगता है कि वो ऐसे ही है, ऐसे पूछेगा, क्या आपको लगता है कि जाति की जो व्यवस्था थी पॉलिटिक्स में क्या अभी भी पुराने जमाने की तरफ विद्यमान है या अभी भी अब बदलाव उसमें हुआ है, आपको क्या लगता है, लीजिए लिखिए, निबंध है तो पूछा, वो क्वेश्चन नहीं पूछा, वो ऐसे पूछ लिया आपसे, ऐसा कर लेगा जैसे पूछा ना इस बार, सेशन पूर्व चुनाव प्रणाली और सेशन बाद, तो सेशन पूर्व मतलब टीएन सेशन के पहले खूब बूथ कैप्चरिंग होता था, जिस बक्सा में बैलेट पेपर में एक कैंडिडेट दबंग कैंडिडेट का वोट नहीं पड़ा है उसमें जबरदस्ती स्याही डाल देता था, सेशन पूर्व सेशन बाद, तीन सेशन जब चुनाव बने उससे पहले क्या नियम था कि दबंग लोग क्या करते थे, बूथ कैप्चर अपना वोट दिलवा लिए और जहां नहीं दिलवा पाए जबरदस्ती घुस गए वोटिंग काउंटर में और जिसका जिसका ज्यादा वोट पड़ा है कमजोर आदमी का उस सब में स्याही डलवा दिए, गिनती करिए और जो गिनाएगा उसमें जीत हो गया उसका, ऐसा होता था, धन बल बाहुबल सबका इस्तेमाल किया जाता था, टीएन सेशन आए तो सब बदल के रख दिए, चुनाव क्या होता है दिखा दिए इस सत्ता में बैठे लोगों को, अब तो और सुधार हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हालांकि मोदी जी इसमें बदलाव कहीं कर दे तो बात अलग हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी तो अपने फेवर में बात करते हैं हमेशा, कोई भी कानून के फेवर से बाहर जाता है तो मोदी जी पूरा एकदम बदल ही देते हैं उस कानून को, अभी देखा ना हाल ही में कानून को उन्होंने फिर से कौन सा कानून था जी हाल ही में जिसको दोबारा फिर से अध्यादेश ला के पारित कर दिए, हाँ दिल्ली वाला, दिल्ली में सरकार को जो बताया कि उनको पावर मिलना चाहिए
उसको फिर से कर दिया एलजी और राष्ट्रपति के अंदर। तो भाई मोदी जी बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं, आपको लगते होंगे देशभक्त, वो कुर्सी भक्त से अलावा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि भैया तीन लोग करेंगे अब चुनाव आयोग की नियुक्ति, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पहले कैबिनेट कहता था उस व्यक्ति को हो जाता था, कैबिनेट जिसको बोल दिया वो व्यक्ति बनेगा, जिस आईएएस को बोल दिया कैबिनेट कि ये ऑफिसर बनेगा, अब क्या नियम बन गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री, दूसरा और तीसरा सीजेआई, ये तीन लोग मिलके बताएंगे कि ये व्यक्ति बनेगा तो वो बनेगा, इससे क्या होगा, कैबिनेट का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। और चुनाव एक जो डरते थे कि भाई उसने हमको नाम रिकमेंड किया है तो काहे उसके खिलाफ जाए, स्वामी भक्ति वाली बात, वो भी खत्म हो जाएगी, चुनाव और स्वतंत्रता से काम करेगा। पर देखिएगा मोदी जी देश को भी क्या कर देंगे, पलटा पलटी कर देंगे अगले चुनाव से पहले, हम जानते हैं, इस बात को पहले ही घोषणा कर दिया हूँ। बहुत खतरनाक टाइप के व्यक्ति हैं भाई, आपको नहीं पता, इनके फेवर शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए, कोई किचिर पिचिर नहीं चाहिए, हम केवल अपने अनुसार ही करेंगे जो करेंगे इसमें। और चुनाव आयुक्त में एक चीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी गलत है या सही है? 100% राइट है भाई। तो चुनाव जब तक सही नहीं होगा, जिसके दम पर हम गरजते हैं कि अगले 5 साल में तुमको दिखा देंगे काम ना करोगे, तो जब जनता ही के अनुसार ही चुनाव आयोग नहीं होगा, कैसे होगा? तो ये सब क्वेश्चन आप इस तरीके से तैयार कीजिए और करंट पर ध्यान रखिए। पॉलिटी में साल भर में क्या चला है इंपॉर्टेंट, संसद के अंदर, राज्यों के अंदर, केंद्र के अंदर क्या क्या पॉलिटिकल घटनाएं घटी हैं करंट अफेयर में, उन सब पॉइंट को ज़्यादा फोकस कर चलिए, तो आपको 80% क्वेश्चन वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो करना है इसको, ठीक है भाई, करिएगा। अब करंट को डेली नियम बना लीजिए, 10 करंट अफेयर डिटेल, अब बाकी भी इसको फैक्ट टाइप का तैयार करना है, कौन नियुक्त हुआ, क्या नियुक्त हुआ। चलिए, बहुत गर्मी है भाई, हवा दे मेरा, बस ज्योग्राफी, हम और कुछ नहीं पढ़ाते। ज्योग्राफी के अलावा हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे, आइडिया दे सकते हैं हर विषय में, और बिहार में हिस्ट्री आएंगे सर, यहाँ सभी विषय के अलग अलग फैकल्टी हैं, अच्छे अपने अपने विषय के महारथी हैं, वो सभी लोग आके पढ़ाएंगे, यार स्पेशल अभी ना 15 अगस्त के बाद लगभग। हाँ, एक जो है हम जा रहे हैं कहीं, क्या अब भारत से शुरू करेंगे भाई? सुनिए, बादलों को ऊंचाई के आधार पर प्रकार, भाई बात ना करिए प्लीज, आप लोगों से मेरी आग्रह इच्छा है, गर्मी लग रहा है एसी के सामने बैठ जाइए, वहां से हवा आता है डायरेक्ट, ये बड़ा खराब एसी है, बस वहीं तक हवा लगता है, गैस है, एसी खराब हो गया है। सुनिए, ऊंचाई के आधार पर बादलों के प्रकार 4 प्रकार का है, इसको याद कर लीजिएगा सीधा। सबसे ऊंचाई वाला बादल जो सबसे ऊंचाई पर बनता है, मध्य मेघ, निम्न मेघ, ऊर्ध्वाधर मेघ, ये 4 प्रकार के बादल है, मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर, हाईएस्ट जो क्लाउड है सबसे ऊंचाई पर, बीच वाले ऊंचाई पर जो पाया जाए, और निम्न ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर मेघ कोई प्रकार नहीं है, जब जमीन के पैरेलल बहुत नीचे आ जाए बादल तो उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर मेघ, या इसको बोलते हैं होराइजेंटल क्लाउड, इसको बोलते हैं, इसको होराइजेंटल क्लाउड बोलते हैं, लो हाइट क्लाउड बोलते हैं, मीडियम हाइट क्लाउड बोलते हैं, और हाई क्लाउड बोलते हैं इसको। अब सुनिए मेरी बात, ये बादलों के प्रकार हैं, अब ये ऊंचाई के आधार पर देखो, यहाँ पर ये तो हो गया, यहाँ आ जाइए आप सीधे, अब देखो उच्च मेघ जो हाई क्लाउड है, ऊंचा ऊंचे बादल, मतलब बादल तो कैसे बनते हैं समझते हैं आप, जब जलवाष्प, बादल कैसे बनता है सुन लीजिए पहले, जब जलवाष्प यानी वाटर वेपर जब काफ़ी ऊंचाई पर जाते हैं, तो आप जानते हैं कि, सुन लो मेरी बात, तो जब काफ़ी ऊंचाई पर ये बादल जाते हैं
तो वायुमंडल के अंदर बहुत सारे धूलकण होते हैं, आप जानते हैं ना, जिसको एरोसोल कहते हैं। वायुमंडल में बहुत सारे क्या होते हैं, धूलकण, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरोसोल, ठीक है ना, धूल का कण होता है। या फिर बहुत ऊंचाई पर जाएंगे तो यही जो वाटर वेपर ऊपर जा रहा है, काफ़ी ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर कम होने से वो बदल जाता है बर्फ के टुकड़े के रूप में। काफ़ी ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, बर्फ के गोले के रूप में ऊंचाई पर जाने के बाद बदल जाता है, क्योंकि एक टेम्परेचर ऊंचाई पर जाने पर बहुत कम जब हो जाएगा तो वो बहुत ऊंचाई पर जब चली जाएगी बादल, तो टेम्परेचर बहुत कम होने से पहले वाटर में बदलेगा, फिर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े में बदल जाएगा, समझ में आ रहा है बात। या फिर धूलकण ऊपर होगा तो धूलकण के चारों तरफ या बर्फ के टुकड़े के चारों तरफ, बर्फ के टुकड़े के चारों तरफ या धूलकण के चारों तरफ, मान लीजिए बर्फ का टुकड़ा है या धूलकण है, इसके चारों तरफ क्या होगा, इन जलवाष्प का जमाव शुरू हो जाएगा, इनके साथ इन जलवाष्प का क्या शुरू हो जाएगा, जमाव, और धीरे धीरे ये फैलता जाएगा जलवाष्प की मात्रा बढ़ने से, तो आकाश में ही क्या दिखते हैं, सफ़ेद बादलों की तरह दिखाई देते हैं। ये कंकड़ के चारों ओर या फिर बर्फ के टुकड़े के चारों ओर, धूलकण के चारों तरफ क्या होते हैं, वाटर वेपर जहाँ तहाँ जमा हो जाते हैं, जो बादल के रूप में दिखाई देते हैं, समझ आ रहा है बात ना। तो जो बादल दिखाई देता है ऊपर में स्थिर रुका हुआ, वो या तो बर्फ के टुकड़ा के चारों तरफ बना हुआ है या फिर धूलकण के चारों तरफ बना हुआ है। इन वाटर वेपर का जो ऊपर में स्थिति है, ऊंचाई के आधार पर इनको बांटते हैं मुख्यतः तीन भागों में। पहला बात है उच्च मेघ, हाई क्लाउड, इनका निर्माण 5 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। बस इसको नोट कर लीजिए खाली आप एक पॉइंट, कि भाई ऊंचाई के आधार पर बादलों को हम तीन भागों में बांटते हैं। तीन भाग में कौन कौन, उच्च मेघ, मध्य मेघ, हाई क्लाउड, मीडियम क्लाउड या मिडिल क्लाउड और लो क्लाउड, ठीक है, तीन भागों में बांटेंगे। उच्च मेघ जो है ये 5 से 13 किलोमीटर यानी 5000 मीटर से 13000 मीटर के बीच, 5000 मीटर से बच्चा 13000 मीटर के बीच ये बादल बनते हैं। यानी अगर बादलों का निर्माण 5000 मीटर से 13000 मीटर के बीच हो, अगर बादलों का निर्माण 5000 मीटर से 13000 मीटर के बीच हो तो उसको बोलते हैं उच्च बादल, ठीक है भाई। उच्च बादल के कितने प्रकार बताइए, तीन प्रकार, रटिए मत, देखिए आप, उच्च बादल के तीन प्रकार। पछाब मेघ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सीरस क्लाउड, पछाब स्तरी मेघ इसी का प्रकार है, सीरो स्ट्रेटस क्लाउड, पछाब कपासी मेघ सीरो कुमुलस क्लाउड। तो तीन भाग में बांटते हैं उच्च बादल को, कितने पार्ट में बांटते हैं, तीन भागों में। सबसे कॉमन जो इन तीनों में वो क्या है भैया, पछाब, तीनों में क्या कॉमन है, पछाब। तो याद करने की जरूरत नहीं है, उच्च मेघ जो है वो तीन प्रकार का, सब में क्या लगा है, सीरो, 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 सीरो मतलब सीरस, सब में क्या लगा है, सीरो। एक तो कॉमन हो गया कि उच्च मेघ में एक सीरो रहेगा यानी पछाब रहेगा, बाकी पहले वाले में सिर्फ पछाब मेघ होगा, पछाब बादल सीरो क्लाउड, दूसरे में पछाब स्तरी, पछाब स्तरी और पछाब कपासी, पहला में पछाब मेघ केवल, दूसरे में पछाब स्तरी और तीसरे में पछाब कपासी यानी सीरो क्लाउड। सीरो स्तरी मतलब उसका कई सारा स्तर, काफ़ी मोटाई, बादलों की काफ़ी मोटाई हो जाती है तो उसको बोलते हैं स्तरी, स्ट्रेटस क्लाउड, सीरो स्ट्रेटस और सीरो कुमुलस। कपासी को कॉटन मत बोल दीजिएगा, वहाँ पर भूगोल की भाषा में कुमुलस है, तो भैया क्या हो जाएगा, सीरो कुमुलस और सीरो स्ट्रेटस, याद हो गया, याद करिए अभी तत्काल। उच्च बादल की ऊंचाई कितनी है, 5000 मीटर से 13000 मीटर के बीच बनेगा, पछाब बादल, पछाब स्तरी और पछाब कपासी, सीरो सीरो क्लाउड, सीरो स्ट्रेटस, सीरो कुमरस, याद रहेगा भाई, अभी याद कर लीजिए तत्काल इसको, क्लियर है, इसकी विशेषता हम बताएंगे, याद कर लीजिए इसको। उच्च मेघ कितने प्रकार का, तीन प्रकार का, पछाब मेघ, पछाब स्तरी और पछाब, तीनों में पछाब लगा है, याद कर लीजिए। फिर मध्य मेघ है यानी मिडिल क्लाउड है, इसकी ऊंचाई 2000 से 7000 मीटर के बीच, 2000 मीटर से 7000 मीटर के बीच, 2000 टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सवाल डायरेक्ट पूछेगा इनमें से कौन सबसे ऊंचाई पर बनने वाला बादल है,
ऐसे सवाल दो ही सवाल आता है इस चैप्टर से, दो प्रश्न आते हैं, सबसे ऊंचाई पर बनने वाला बादल कौन है, सबसे नीचे बनने वाला बादल कौन है, और सबसे अधिक वर्षा कराने वाला बादल कौन है, और सबसे कम वर्षा कराने वाला बादल कौन है। ठीक है भाई, यही चार प्रश्न प्रीलिम में बनेगा, प्रीलिम में बनेगा यही चार प्रश्न, कौन बादल सबसे ऊंचाई पर बनता है, सबसे नीचे कौन बनता है, सबसे ज़्यादा वर्षा कौन बादल कराता है, और सबसे कम वर्षा किस बादल से होता है। बस यही चार सवाल आएंगे, लेकिन तत्काल आप इसमें याद कर लीजिए कि उच्च मेघ जो है तीन प्रकार का, फछाव मेघ सीधे सीरो क्लाउड, फिर सीरो स्ट्रेटस, और फिर सीरो कुमुलस। ठीक है, समझ गए ना इतना, इसको हम पीडीएफ भेज देंगे, आपको उतारने की जरूरत भी नहीं है, अभी तुरंत पीडीएफ मेरे पास आया हुआ है, क्लास में ही सेंड कर देंगे। चलिए, दूसरा है मध्य मेघ, इसका कितना प्रकार है भाई, दो प्रकार, अल्टो स्ट्रेटस और अल्टो कुमुलस। अल्टो स्ट्रेटस यानी स्तरी मेघ, स्ट्रेटस का मतलब क्या होता है, स्तरी मेघ, अल्टो कुमुलस। अच्छा, अल्टो का मतलब होता है मध्य। अच्छा, इसका एक छूट गया है टॉपिक, इसको आप लिख लीजिए, इसको बोलते हैं भैया मध्य स्तरी, इसको बोलते हैं हम लोग मध्य स्तरी, थोड़ा सा मध्य स्तरी, इसका नाम दे दीजिएगा, गलती से नोट हो गया है, यहाँ पर हम लिख देते हैं मध्य स्तरी। अल्टो का मतलब मिडिल ऊंचाई, मध्यम ऊंचाई पर जो बनता है उसको भूगोल के भाषा में क्या बोलते हैं, अल्टो क्लाउड, अल्टो क्लाउड। तो दोनों में अल्टो लगा रहेगा, दोनों में क्या लगा रहेगा, अल्टो। तो अल्टो स्ट्रेटस पहला होगा, अल्टो स्ट्रेटस, और दूसरा होगा अल्टो कुमुलस। कैसे याद रहेगा, ऊपर वाला ही कॉमन तो है, खाली वहाँ एक अलग से था एक पछाव बादल, अब बाकी तो वही था स्ट्रेटस और कुमुलस। नहीं जी, यहाँ पर क्या है, वही बात है, अल्टो स्ट्रेटस अल्टो कुमुलस सेम है कि नहीं, बस एक टाइप वाला नहीं है, अल्टो क्लाउड एक अलग से नहीं है, बाकी अल्टो कुमुलस अल्टो स्ट्रेटस वही तो है। याद हो गया कि नहीं याद हो गया, ठीक, कितनी ऊंचाई पर बनते हैं भाई, 2000 से 7000 मीटर यानी 2 से 7 किलोमीटर के बीच बनता है। देखिए पहले बताओ, सबसे ऊंचाई पर वाला जो बादल है वो कितने प्रकार का, सबसे ऊंचाई पर वाले बादल को हम पछाव बादल बोलते हैं। एक बात तो याद रखिए, सबसे ऊंचाई पर यानी जो हाई क्लाउड है उसे हम लोग पछाव बादल भी कहते हैं, यानी क्या बोलते हैं, सीरस क्लाउड। सबसे ऊंचाई पर जो बादल बनता है उसको क्या बोलते हैं, सीरस क्लाउड। सीरस क्लाउड में तीन प्रकार, पहला तो सीरस क्लाउड, फिर सीरो स्ट्रेटस, फिर सीरो कुमुलस, फिर जो मध्यम ऊंचाई पर बनता है उसको अल्टो क्लाउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, अल्टो क्लाउड। अल्टो क्लाउड दो प्रकार के, अल्टो स्ट्रेटस अल्टो कुमुलस, याद रहेगा भाई, अल्टो स्ट्रेटस अल्टो कुमुलस, वहाँ भी स्ट्रेटस कुमुलस, यहाँ भी स्ट्रेटस कुमुलस, बस ऊंचाई वाले में सीरो लगा देंगे, हम मध्यम ऊंचाई वाले में अल्टो लगा देंगे, है ना। ऊंचाई वाला कितनी ऊंचाई पर बनेगा, 5000 से 13000, और ये बनेगा 2000 से 7000। मध्य स्तरी और मध्य कपासी, मध्य स्तरी और मध्य कपासी। चलिए आगे आते हैं, अब निम्न ऊंचाई वाले बादल कहाँ, धरातल से लेके 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनता है। ये जो अंतिम प्रकार दिया है, एक्चुअल में ये बादल हमेशा नहीं बनता, इसको आप हटा ही दीजिएगा, कभी कभार बन जाता है, यहीं तक है, लास्ट यहीं तक है। निम्न मेघ 0 से 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर से नीचे, ये कहाँ बनता है, 2000 मीटर के नीचे बनता है, 2000 मीटर के नीचे। इसका कितना प्रकार है भैया, स्तरी कपासी, स्तरी मेघ और वर्षा स्तरी मेघ। वर्षा को भूगोल की भाषा में निम्बस कहते हैं, वर्षा को भूगोल की भाषा में क्या बोलते हैं, निम्बस। होता है ना, ये सुना होगा भी आपने कभी कभी, निम्बस कई कंपनी का भी नाम है ना, एक कोचिंग था दिल्ली में निम्बस कोचिंग सेंटर, तो निम्बस। तो भैया निम्न मेघ जो है उसका तीन प्रकार, स्तरी कपासी यानी स्ट्रेटो कुमुलस, स्तरी मेघ स्ट्रेटस क्लाउड, और वर्षा स्तरी निम्बस स्ट्रेटस। वर्षा को अंग्रेजी में निम्बस, भूगोल की भाषा में निम्बस, स्तरी माने स्ट्रेटस, इसको याद करना पड़ेगा, स्तरी कपासी, स्तरी मेघ और वर्षा स्तरी। स्तरी कपासी मतलब बताइए, स्ट्रेटो कुमुलस, और फिर स्ट्रेटो क्लाउड, और फिर निम्बस स्ट्रेटस क्लाउड। क्लियर है भाई, यही वर्षा के कितने प्रकार हो गए, 3, 2, 5 और 3, 8, टोटल कितने प्रकार के हो गए, 8 प्रकार के हो गए। कौन कौन, पहला वाला बताइए,
पाँच से बारह तेरह किलोमीटर के बीच तीन प्रकार, पछाव यानी कि सीरो, सीरो क्लाउड, सीरो स्ट्रेटस, सीरो कुमुलस, और फिर दूसरा वाला क्या था, अल्टो, अल्टो क्लाउड था, अल्टो स्ट्रेटस, अल्टो कुमुलस, जो 2000 से 5000 के बीच कह सकते हैं। और सबसे नीचे वाला दो तीन प्रकार का कौन सा भैया, सबसे पहले स्ट्रेटस क्लाउड या स्ट्रेटो क्लाउड भी बोल सकते हैं। फिर स्ट्रेटो क्या है, स्ट्रेटो पहले स्ट्रेटो कुमुलस, और फिर स्ट्रेटस क्लाउड, और फिर अल्टो निम्बस स्ट्रेटस, निम्बस स्ट्रेटस, बस यही है हमारा बादलों के प्रकार जो कि आपको ध्यान में थोड़ा रखना है। अब इन सब का डिटेल है भैया यहाँ नीचे, कौन बादल क्या है इसके विषय में है। कौन, तो इसमें है भाई पछाब मेघ, वायुमंडल में सबसे ऊंचाई पर, तो भी बताएगी आपको सबसे ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इन मेघों की संरचना हिम के कणों से होती है। भाई बहुत ऊंचाई पर बनेगा, भाई बहुत ऊंचाई पर बनेगा तो इसका निर्माण किससे होगा जी, हिम कणों से। भाई सबसे ऊंचाई पर जो बनेगा रटने की जरूरत है, हिम कणों से बनेगा। धरातल से दिन में ये मेघ पंख के रेशों की तरह दिखाई देते हैं। धरती से देखिएगा ऊपर दिन में तो लगता है कि पंख बिखरा हुआ है, कबूतर का पंख टूट गया है, चारों तरफ बिखर गया आकाश में, उस तरह से बिखरा हुआ पंख की तरह दिखाई देता है। जब ये आकाश में बिखरे होते हैं तब इसमें स्वच्छ मौसम रहने की सूचना मिलती है। अगर ऐसा बादल दिखाई दे रहा है तो बारिश होने का कोई संभावना नहीं है, मौसम स्वच्छ होता है। लिखिए, किंतु जब ये क्रम से पछाब स्तरी या स्तरी मेघों के साथ दिखाई देते हैं तब मौसम खराब होने की, जब ये स्तरीय हो जाते हैं जिसमें कई स्तर बन जाता है इस बादल में, खाली बिखरा हुआ है तब वर्षा की कोई सूचना नहीं। जब इसमें जब स्तरी मेघ और कपासी मेघ के साथ ही जुड़ जाता है तब वर्षा की सूचना, जब बारिश होने की संभावना बन जाती है तब मौसम के खराब होने की संभावना बन जाती है। और चक्रवात के आने से पहले कौन सा मेघ बनता है, पछाब मेघ। साइक्लोन के आने से पहले क्या बनता है जी, पछाब मेघ। फिर पछाब स्तरी है, यह होता है सफ़ेद, जो सेकंड नंबर का था, क्या था भैया, पहले पछाब मेघ हो गया, फिर क्या था, सीरो स्ट्रेटस, पछाब स्तरी है ना, पछाब स्तरी। ये सफ़ेद चादर की तरह संपूर्ण आकाश में छाए रहते हैं, सफ़ेद चादर की तरह संपूर्ण आकाश में छाए रहने के कारण आकाश दुधिया रंग का दिखाई देता है। पछाब स्तरी मेघ से दिन में सूर्य तथा रात में चंद्रमा चारों तरफ से प्रभा मंडल बनता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, नोट कर लीजिएगा अलग से, पूछा जाता सूर्य और चंद्रमा में कौन सा बादल प्रभा मंडल बनाता है। भाई देखिए, सूर्य और चंद्रमा में कौन सा बादल प्रभा मंडल बनाता है, सोना मना है। सूर्य और चंद्रमा में कौन सा बादल प्रभा मंडल बनाता है, सूर्य और चंद्रमा में कौन सा बादल प्रभा मंडल, जानते हैं प्रभा मंडल जो होता है, बता दूं क्या होता है। प्रभा मंडल मतलब मान लीजिए कि सूर्य है, इसके चारों तरफ एक समझिए एक छाया टाइप का बनता है इस बादल के कारण, सूर्य के चारों ओर सन, इसको मून कर लेते हैं, और सन के चारों ओर, मून और सन के चारों ओर एक छाया बनता है, इसी को बोलते हैं प्रभा मंडल। पूछा जाए कि सूर्य के चारों ओर, चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का मतलब तो प्रकाश का एक जोन बनता है, लाइट जोन। क्वेश्चन इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लाइट जोन। इस बादल के कारण प्रभा मंडल से कई लोग खफा हो रहे थे, प्रभा का मतलब प्रकाश और मंडल का मतलब जोन, मतलब इस बादल के कारण, पूछा जाए किस बादल के कारण लाइट जोन बनता है सूरज चंद्रमा के चारों ओर, क्या बोलेंगे, पछाब स्तरी। यह स्तरी सब एक ऐसा दिखाई देते हैं सफ़ेद चादर की तरह, और दिन और रात के समय दिन में सूरज के चारों ओर ये बनता है लाइट जोन, और रात में चंद्रमा की तरफ बनता है लाइट जोन। और इस बादल से भी किसकी सूचना मिलता है, चक्रवात की सूचना। अगर ये बादल बना है तो साइक्लोन आने की संभावना हो सकता है, यानी कि पछाब बादल से भी साइक्लोन की सूचना मिल रहा था, इससे भी साइक्लोन की सूचना मिलता है। उसके बाद तीसरा क्या है, पछाब कपासी सीरस कुमुलस क्लाउड, पूरा ना लिखा है भाई, इसका सीरस कुमुलस छोड़ दिया है, सीरस कुमुलस क्लाउड। ऐसे बादल पंक्तियों या समूह में पाए जाते हैं। ये कैसा पाया जाता है जी, ये बादल जहाँ तहाँ समूह या पंक्ति में पाया जाता है, इस तरीके से ये समूह में पाया जाएगा, जहाँ तहाँ इस तरीके से समूह में या इस तरीके से पंक्ति के रूप में पाया जाएगा।
ये छोटी छोटी गोलाकार राशियों के रूप में रहते हैं, इसमें छाया नहीं बनती। इन्हें मैकेरल स्काई भी कहते हैं। इन बादलों को क्या बोलते हैं? मैकेरल स्काई। इससे इस बादल से कोई छाया, मतलब जो बादल घिर जाता है आसमान में तो छाया बनता है ना जी, जमीन पर सूर्य का प्रकाश आने नहीं देता, लेकिन इस बादल से कुछ प्रकार की छाया धरती पर नहीं बनता, सूर्य का प्रकाश प्रॉपरली आते रहता है। तो तीन प्रकार के बादल था। पूछा जाए कि प्रभा मंडल कौन बनाता है, लाइट जोन कौन बनाता है जी? स्ट्रेटस, सीरस स्ट्रेटस क्लाउड क्या बनाता है? प्रभा मंडल, लाइट जोन बनाता है। और चक्रवात आने की सूचना लगभग तीनों ही बादल देते हैं। आगे आइए, अगला है भैया, ये सब लिखिए मत, सुनते रहिए, क्योंकि तुरंत इसका पीडीएफ सेम ही चीज का मिल जाएगा। स्तरी मेघ, अब अल्टो सुनिए, मध्य ऊंचाई के बादल में अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड है। ये मेघ भूरे या नीले रंग के मोटी परत के रूप में होते हैं। इनका रंग कैसा होता है जी? भूरा और नीला रंग के मोटे परत के रूप में रहते हैं। ये देखने में धारीदार होते हैं। ये प्रभामंडल का निर्माण नहीं कर पाते, मानी लाइट जोन नहीं बनाते। इनसे आकाश आंशिक या पूर्ण रूप से मेघ से ढक जाता है। इससे आकाश बादलों से ढक जाता है, या तो पूरा या फिर पार्शियली। इसे लगातार वर्षा होने की संभावना होती है। अगर ये बादल बनता है, क्वेश्चन आएगा कि लगातार वर्षा होने की संभावना इनमें से किस बादल से होती है, तो अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड से। लगातार वर्षा का मतलब मूसलाधार बारिश नहीं, लगातार वर्षा का मतलब कि लगातार, जो नहीं बोलते ड्रिजलिंग टाइप, बस बारिश लगातार दिन भर हो रहा है, पर यह नहीं कि पूरा आपको तंग कर रहा है बारिश। जब निकलिएगा तो छाता में आप निकल के कोई भी सामान ला सकते हैं। तो ये लगातार वर्षा होने की संभावना कौन देता है? अल्टो स्ट्रेटस। अब आइए अल्टो कुमुलस। भाई इसका रंग कैसा होता है? भूरा और नीला। और इसका परत कैसा होता है? मोटी। यहाँ इसका रंग भी कैसा होता है? कपासी, मैंने अल्टो कुमुलस का भी मेघ भूरे और कुछ सफ़ेद, वहाँ नीला होता था, यहाँ कुछ सफ़ेद होता है। इसमें परतें पाई जाती हैं, ये लहरों के रूप में बिखरे रहते हैं। ये मेघ छायादार होते हैं, इनका विकास ऊपर की ओर होता है संवहन तरंगों या पर्वत के ढाल के सहारे। इसका निर्माण, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका निर्माण पर्वतों के स्लोप पर होता है। कल बताया था ना, पर्वतीय वर्षा बता रहे थे कि पर्वत के ऊपर चढ़ने लगती हवाएं, और जहाँ पर उसका ह्यूमिडिटी 100% हो जाता है वहाँ बादल बन जाता है। एक्चुअल में पहाड़ों की ऊंचाई पर जो बादल बनते हैं वो कौन है भैया? अल्टो कुमुलस क्लाउड है। पहाड़ की ऊंचाई पर जो बादल बनते हैं वो कौन सा बादल है? अल्टो कुमुलस क्लाउड। क्लियर है? आपको बता दें कि पहाड़ की ऊंचाई पर मैक्सिमम 5000 मीटर की ऊंचाई तक वर्षा होती है। पहाड़ में आप जाएंगे ना, पहाड़ में आप जाएंगे तो अधिकतम 5000 मीटर तक ही वर्षा दिखाई देगा। 5000 मीटर के ऊपर वर्षा आपको दिखाई नहीं देता। आप जानते भी हैं कि अल्टो क्लाउड जो उसका निर्माण भी 2000 से 5000 के बीच होता है। तो पूछा जाए कि भाई कपासी मध्य, यानी मध्य कपासी अल्टो कुमुलस का रंग कैसा होता है? भूरा और सफ़ेद। और अल्टो स्ट्रेटस का रंग भूरा और नीला। क्लियर है? और इसका, इसमें कई परत पाया जाता है और पर्वतीय क्षेत्रों में इसी बादल का निर्माण होता है। क्या है भी आगे? ऐसे मेघ को पताका मेघ भी कहते हैं। पताका मतलब झंडा की तरह दिखाई देता है, मतलब लहराता हुआ। इसमें क्या होता है ना कि बादल हमेशा, जैसे झंडा लहरता है ना, उस तरह से बादल हमेशा तैरता हुआ रहता है। इस बादल में गुण है कि बादल हमेशा तैरता रहता है, कोई झंडा फहरा रहा है, इस तरह से पताका मेघ कहते हैं। अगला है क्या? स्तरी कपासी। ये तो हो गया ना जी। स्तरी का, अच्छा यहाँ नीचे आ गया। क्या है भैया ये स्तरी कपासी? ये मेघ गोलाकार राशियों से निर्मित होते हैं। इनके मेघों की निचली भूरी परत जे वर्ग में रखा जाता है। क्या है जी? ये समूह है, लहरों के रूप में दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई 2500 से 3000। इसको पढ़ लेना है भाई, दे देंगे इसको, रटने वाली चीज पढ़ के सुनाने से कोई फायदा नहीं है। हम समझ रहे हैं कि इसको पढ़ के सुना रहे हैं, आप लोग बोर हो रहे हैं। ठीक है भाई, इसको कर लीजिएगा आप, हमको पढ़ाने में पढ़ाने का मज़ा कुछ और है, हमको भी मज़ा नहीं आता। दे देंगे अभी, अभी भेज देते हैं आपके ग्रुप में। इंग्लिश में भी करके भेजवा, अच्छा हिंदी में है अभी, इंग्लिश में करवा के भेज देंगे। नहीं तो भेज देते हैं अभी, तत्काल इसको भेज देते हैं, वहाँ जाएंगे बाहर तब ना होगा। कौन सा ग्रुप है जी? सक्सेस वाला ग्रुप है। सुबह वाला का नाम है अर्जुन ग्रुप, और जो टीचर का बैच बना है उसका नाम है माँ शारदे ग्रुप, बिना पानी ग्रुप। सक्सेस मंत्रा गर्ल बॉय दोनों में चला गया हिंदी वाला।
अंग्रेजी वाला आपको हम भिजवा देंगे। चलिए तो ये हमारा, सुनो भाई, सबसे अधिक वर्षा लिख लो भैया, एक लाइन लिख लो, देखो सबसे अधिक वर्षा लिखो भाई, सबसे अधिक वर्षा देखिए, सबसे अधिक वर्षा कपासी निम्बस कुमुलस क्लाउड से होता है। देखो सबसे अधिक वर्षा कपासी वर्षा बादल से होता है। पूछा जाता है कि सबसे अधिक वर्षा किस बादल से होती है, सबसे अधिक वर्षा कपासी वर्षा बादल से होता है, सबसे अधिक वर्षा कपासी वर्षा बादल निम्बस कुमुलस क्लाउड से सबसे अधिक वर्षा होती है। लिख लिया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा सीरस क्लाउड यानी पछाप बादल से होता है, सबसे अधिक वर्षा निम्बस कुमुलस क्लाउड से होता है। लिख लिए, यानी कपासी वर्षा बादल से होता है, सबसे कम वर्षा सीरस क्लाउड, सीरस यानी पछाप बादल से होती है। लिख लिए। अब लिखिए, सबसे ऊंचाई पर बनने वाला बादल, चार पॉइंट लिख लीजिए, सबसे ऊंचाई पर बनने वाला बादल, सबसे ऊंचाई पर बनने वाला बादल सीरस क्लाउड है, पछाप बादल है, सबसे ऊंचाई पर बनने वाला बादल सीरस क्लाउड है, सीरस क्लाउड है। सबसे ऊंचाई पर बनने वाला बादल कौन सा है जी, सीरस क्लाउड। और सबसे नीचे बनने वाला बादल, सबसे नीचे देखिए, निम्बस स्ट्रेटस क्लाउड, सबसे नीचे बनने वाला निम्बस स्ट्रेटस, अंग्रेजी में, हिंदी में वर्षा स्तरी मेघ, सबसे नीचे बनने वाला बादल वर्षा स्तरी मेघ, वर्षा स्तरी मेघ। चार पॉइंट लिखे, चार पॉइंट लिखे ना, अगला पॉइंट, पॉइंट में चार पांच पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए कि सूर्य या चंद्रमा में प्रभा मंडल, सन मून में लाइट जोन कौन बनाता है। क्वेश्चन आया है कई बार, सूर्य या चंद्रमा में प्रभा मंडल कौन बनाता है, पछाप स्तरी। लिखिए, सीरस स्ट्रेटस, सूर्य चंद्रमा में प्रभा मंडल कौन बनाता है बताओ, सीरस स्ट्रेटस हो गया। अब सुनिए, पहाड़ी को पहाड़ों के ढलान पर बनने वाला बादल, पहाड़ के ढलान पर बनने वाला बादल कौन सा है भैया, अल्टो कुमुलस। पहाड़ के ढलान पर बनने वाला बादल लिखिए, मध्य कपासी, मध्य कपासी बादल, मध्य कपासी है जी कि मध्य स्तरी है, मध्य स्तरी नहीं है जी, मध्य स्तरी, मध्य स्तरी है, अल्टो स्ट्रेटस हो गया। बस इतना ही आपसे परीक्षा में आएगा। बस एक लाइन और लिखिए, एक लाइन पॉइंट एक और लिखिए, लेकिन चक्रवात के समय लिखो भाई, लिखो भाई, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के समय, लिखो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के समय भाई, ट्रॉपिकल साइक्लोन के समय कौन सा बादल बनता है। लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात के समय कपासी वर्षा बादल बनता है, निम्बस कुमुलस क्लाउड बनता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के समय कपासी वर्षा बादल बनता है, निम्बस कुमुलस क्लाउड बनता है, मतलब कपासी वर्षा। अरे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के समय बोल रहा हूं। अब लिखो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के समय, भाई चक्रवात दो प्रकार का बताया था ना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के समय निम्बस कुमुलस क्लाउड बनता है, निम्बस कुमुलस यानी कि वर्षा, कपासी वर्षा बादल बनता है। अब लिखो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के समय है? अरे भैया उसमें था नहीं, कपासी वर्षा बादल लिखवाए ना, सबसे अधिक वर्षा वाला बादल कौन लिखवाए, टाइप में उसमें है,
हमने पीडीएफ छोड़ दिया पढ़ना बीच में, पूरा पीडीएफ नहीं ना पढ़े। अरे उसमें है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए कपासी वर्षा बादल, सबसे अधिक वर्षा वाला बादल क्या लिखवाए थे? सबसे अधिक वर्षा बादल क्या लिखवाए? निम्बस कुमला से तो लिखवाए हैं। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में ही बादल बनता है, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन में ही बादल बनता है। लिखवा रहे भाई, लिखो सीरस क्लाउड। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में सीरस यानी पछाव बादल बनता है। सीरस क्लाउड मैंने टेम्परेट साइक्लोन में सीरस क्लाउड बनता है। सीरस। और लिख लीजिए एक लाइन और इम्पोर्टेंट लाइन, आपको बताया था कि टेम्परेट साइक्लोन 5 अलग अलग फेज में आता है, बताया था ना। पहला को बोले थे फ्रंटोजेनेसिस और अंतिम को बोले थे फ्रंटोलिसिस, याद है आप लोगों को? उसमें बताया था पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा, पांचवा। तो लिख लीजिए शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के तीसरा स्टेज में बादल का निर्माण होता है। बताया भी उस दिन शायद, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के किस स्टेज में बादल का निर्माण होता है? बरसात, तीसरा स्टेज में। अब भुला जाइए तो उसमें क्या करना है, बस। अब हम क्लाइमेटोलॉजी जो है था ना, क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। जीएस के लिए, ऑप्शनल के लिए नहीं भाई, जीएस में क्लाइमेट समाप्त, ठीक। दूसरा कौन समाप्त हुआ? समुद्र विज्ञान, उसके बाद समाप्त हुआ जियोमॉर्फोलॉजी। हम लोग तीन टॉपिक समाप्त कर लिए, कौन कौन? देखो भाई, भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी, और दूसरा भाई बात मत कीजिए, महासागर विज्ञान यानी ओशियनोग्राफी, और तीसरा जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी। और सुनिए, एक होता है पर्यावरण विज्ञान, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही 4 सेक्शन है। पर्यावरण विज्ञान यह होता है भैया इन्वायरमेंट ज्योग्राफी। भाई यही 4 सेक्शन होता है विश्व के भूगोल में, यही 4 सेक्शन होता है, जिसमें भू आकृति विज्ञान में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, भू आकृति विज्ञान में पर्वत का निर्माण कैसे होता है, हमने पढ़ा कि नदी पवन, हिमनद, ये सब क्या क्या बनाते हैं, भूकंप क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, ये पूरी डिजर्ट, ये सब पढ़े। महासागर विज्ञान में ओशियन करेंट, ओशन के अंदर का रिलीफ, ज्वार भाटा, कोरल रीफ, ये पढ़े, लवणता। जलवायु विज्ञान में हम लोग पढ़े पृथ्वी वायुमंडल का संरचना और साथ में उनका स्तर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये चैप्टर। इसके बाद पढ़े एयर प्रेशर बेल्ट और विंड। इसके बाद पढ़े विश्व का जलवायु वर्गीकरण, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, क्लियर। आर्द्रता क्या होता है, वर्षा कैसे होती है, ओस क्या होता है, ड्यू क्या होता है, वर्षा का प्रोसेस क्या है, और एक अंतिम चैप्टर था क्लाउड, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्लाउड से सवाल नहीं आते आज तक, जो भी सवाल आए हैं यही सवाल है, प्रभा मंडल कौन बनाता है, सबसे ज़्यादा वर्षा कौन कराती है, सबसे कम वर्षा कौन कराती है, यही सवाल हमेशा इसमें पूछे जाते हैं, क्लियर भाई। तो बस यही चैप्टर। अब बात रहा, कई लोग ये बोल रहे थे आपके क्लास में कि सर कोपेन, त्रिवार्था और थॉर्नथ्वेट ये अलग अलग विद्वान हैं। आपको बताया था उस दिन जलवायु का वर्गीकरण करते समय कुछ विद्वानों का नाम लिखा था, अब बोला था कि इन विद्वानों ने भी विश्व के जलवायु को बांटा है, बताया ना हमने, बोला था कोपेन, त्रिवार्था, थॉर्नथ्वेट, स्टाम्प, टेलर, कई लोगों ने पूरे दुनिया के जलवायु को बांटा अपने अपने अनुसार। उसमें कोपेन का वर्गीकरण कभी कभी बिहार के सेंस में पूछ लेता है कि कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार में कौन जलवायु, और कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार में कौन जलवायु, कभी कभी पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी के प्रिलिम में, और हम पिछले बार भी पूछा था, तो क्यों ना इसको हम बिहार स्पेशल जब पढ़ाएं तो उसमें बता दें केवल पॉइंट में, 2 पॉइंट, उत्तरी बिहार में कौन जलवायु और कोपेन के अनुसार दक्षिणी बिहार में कौन जलवायु, क्या कोई दिक्कत इससे है?
कोपेन में अगर हम इतना बता दें कि अब पूरा कोपेन पढ़ेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं पढ़ाने में, तो एक क्लास प्रॉपर डेढ़ से ऊपर घंटा, दो घंटे मान लीजिए, दो घंटे की पूरी क्लास लगेगी तब कोपेन खत्म होगा। अगर आप चाहें तो हम कोपेन पढ़ा देंगे, लेकिन उस कोपेन के पढ़ने से आपको भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मेंस में कोई आना नहीं है। अब फ्री में बस इतना आना है कि उत्तर बिहार में कोपेन के अनुसार कौन सी जलवायु और दक्षिण में कौन सी जलवायु। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, बात जो बात हम समझा रहे हैं समझ रहे हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे त्रिवार्था, कोपेन और थॉर्नफेट, ये तीनों भी पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपकी इच्छा है पढ़ने का? नहीं। हाँ, अब सुनिए एक चीज़ और समझाते हैं आपको। वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक चीज़ हो सकता है मैपिंग का सेक्शन, तो हम शनिवार को क्लास अब लगवाने जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सैटरडे संडे में हम क्लास लगवाने जा रहे हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन सी नदी कहाँ है, कौन सा झील कहाँ है, पहले से ही मान लीजिए उत्तर अमेरिका की सभी झील, उसका मैप लेके हम यहाँ आएंगे, लिखा हुआ नहीं, मैप। या जैसे मान लो कि यहाँ पर इसमें तो इंटरनेट कनेक्टेड है, इसमें अगर देखें तो इंटरनेट कनेक्टेड है, और यहाँ हम आएंगे कुछ और ना चलने लगे, डर तो ये भी लगता है, ओपन करते हैं कुछ और भी चलने लगता है। कहाँ चलता है जी, व्हाइट बोर्ड पे, तो इस पर कहाँ चलेंगे, सर्च यहां से नहीं आएगा, उधर से खुलता है, यहां ब्राउजर पे आइएगा ना, इस पर क्रिकेट मैच कल चल रहा था कि क्रिकेट मैच ना आ जाए, बात मत करिए प्लीज, आप लोग आपसे बातचीत करते हैं तो हमें इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए तत्काल यहाँ देखिए आप नॉर्थ अमेरिका फिजिकल मैप, कुछ और मत खुलिएगा। बैक कीजिए सर, अब सही है, ओ अब देखिए उत्तर अमेरिका आ गया, यहां भी कर सकते हैं, पीडीएफ में आएंगे देखे तो मिल जाएगा। अच्छा नहीं होगा बड़ा, अच्छा ये मैप दिख रहा है ना, मैप तो दिखाई दे रहा, अब मैप दिखाई नहीं दे रहा है, ये बोर्ड पे मैप ही दिखाई दे रहा है, एकदम छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। सुनिए यहाँ पर एक झील दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक झील दिखाई, अच्छा यहाँ भी एक झील दिखाई दे रहा है, यहाँ भी, और इसलिए मैं पीपीटी में लेकर आऊँगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक झील यहाँ दिखाई दे रहा है, ये सभी झीलें कनाडा की हैं, जितना भी हम गोल किए हैं ये सारी झीलें क्रम से नॉर्थ से साउथ, सभी इंपॉर्टेंट झील है, परीक्षा में आता है डायरेक्ट किस देश में कौन सी झील है, तो कनाडा देश में सारी झीलें हैं। ये ग्रेट बियर झील है, इसका नाम है ग्रेट बियर झील, इसका नाम है ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट स्लेव है इसका नाम, इसका नाम है ग्रेट अथावास्का झील, तो ऐसे सारे झील कनाडा के हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कनाडा और अमेरिका के सीमा पर ग्रेट लेक, आपको बताए थे एक दिन हम SMHE वो जो बताए थे ये है। इसके बाद नीचे में यहाँ पर आइएगा तो ग्रेट साल्ट लेक है, जो बताए थे तीसरी सबसे अधिक नमक वाली झील, ग्रेट साल्ट लेक, यहाँ जो गोला लगाए हुए साल्ट लेक है, लिखवाए थे अमेरिका के, एक शहर भी है साल्ट लेक सिटी, उसी साल्ट लेक सिटी शहर साल्ट लेक झील के किनारे है ये, इसको हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक नदी भर है रायो ग्रैंडी नदी, जो अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है, रायो ग्रैंडी नदी अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है, ये 49 डिग्री पैरेलल है, जो अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाती है। इस तरीके से हम लाएंगे और एक एक महादेश हम करते चलेंगे, कब करेंगे हम इंडिया का से शुरू करेंगे गुरु, और इंडिया शुरू करेंगे और पौने छः तक इंडिया पढ़ाएंगे रोज, और 15 मिनट अंतिम में एक महादेश ओपन करेंगे, उसकी झील और नदी हम कराते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो ये काम हम अभी तक किसी बैच में नहीं किए हैं, बोलते थे कि मैप अपने से कर लो भैया, ये हमारा जिम्मेवारी नहीं है, हम आपको दे देते थे, और आप कर भी लेंगे, ऐसा नहीं कि मेरे कराने से,
लेकिन हम कराएंगे तो थोड़ा क्या होता है कि दिमाग में वो चीज़ आ जाता है, चलेगा ये चीज़ तो। लेकिन अंतिम में पौने छः में आप हमको याद दिला दीजिएगा कि सर आप इसको अभी आप मैप कुछ करना है आपको, तो हम हर दिन एक महादेश लेकर आएंगे और कहाँ क्या है बैठा के यहाँ रटाते चलेंगे, ठीक है ना। तो ये समझ गए आप लोग। अब हम लोग आते हैं सीधा अपने बोर्ड पर। कितना टाइम हो गया, टाइम तो ही है, ठीक है, तो आप लोग सुनिए। हाँ जी, हाँ, इनका कहना है कि सर एक आता है टॉपिक जो धरती कैसे बनी, किस युग में बनी, इसको चर्चा एक दिन कर दीजिए। चर्चा कुछ अलग करेंगे इससे अच्छा है कि दो मिनट रुक जाइए, लिखिएगा कुछ मत, बस समझ जाइए। पूरे दुनिया जो है ना वो बटा है, सबसे पहला है एजोइक। क्या है भैया एजोइक? थोड़ा रुकिएगा, जाइएगा मत, भागिएगा मत। दूसरा है पेलियोजोइक। पेलियो अंग्रेजी हिंदी दोनों में सेम नाम है। ये धरती जो बनी, इससे इंसानों का बनने का इतिहास है, प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास, उसी धरती के बनने के इतिहास को भी कई भागों में बांटते हैं। जब धरती बनी थी, धरती का निर्माण शुरू हुआ था, उस युग को क्या बोलते हैं। उसके बाद पेलियोजोइक आया, उसके बाद तीसरे नंबर पर आया मेसोजोइक। क्या आया? मेसोजोइक। उसके बाद आया सीनोजोइक और उसके बाद नियोजोइक। उसके बाद नियोजोइक। यही पांच युग धरती के बनने के इतिहास को, बात ना करिए, धरती के बनने के इतिहास को इसी पांच युग में बांटते हैं। इसी में इंसान भी आया सबसे बाद में। इंसान सबसे अंतिम युग में आया, सबसे बाद में, सबसे लास्ट युग, जब दुनिया में सब कुछ बन गया तब इंसान आया। इससे पहले इंसान का कहीं नामो निशान नहीं है। ये जो एक, इसमें भी दो भाग है, एकदम आज के बाद भुलाइएगा मत। ये चैप्टर जो है हम इस तरीके से आपको बता देंगे, हम अपने लिए तैयार किए थे, कोई टीचर हमको नहीं बताया था। कैसे हमको याद रहेगा, क्योंकि सबसे टफेस्ट चैप्टर है ये, याद नहीं रहता। जब धरती पर कोई जीव जंतु नहीं था, खाली धरती बनी थी, तो उसको बोलते हैं अजैविक एजोइक, यानी अबायोटिक एजोइक। और बाद में जब जीव जंतु बाद में ना आएगा जी, जब जीव जंतु इस धरती पर आया तो उसको बोलते हैं बायोटिक एजोइक। यानी एजोइक का दो भाग, अबायोटिक पहले, शुरू में जीव जंतु आ जाएगा, धीरे धीरे ना आएगा, तो एजोइक अबायोटिक पहले फिर बायोटिक। अब सुनिए, पेलियोजोइक जो है इसका एक ट्रिक है मेरे पास, ये कई भाग में बटा है। इसका ट्रिक है कैम्बोर्डो सिल्दे कार्बोपर्म। ये हम बनाए हैं कैम्बोर्डो सिल्दे कार्बोपर्म। पांच बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा, कैम्बोर्डो सिल्दे कार्बोपर्म। कैसे कैम्ब्रियन। कैम्बोर्डो में क्या लगा है ओडो। तो उसके बाद ऑर्डोविशियन डायरेक्ट याद आपसे नहीं होगा, नाम कन्फर्म है। कैम्बोर्डो सिल्दे कार्बोपर्म से काम हो जाएगा, कैम्ब्रियन फिर ऑर्डोविशियन। कैम्बोर्डो सिल्दे, सी से सिल्यूरियन, सिल्दे, सिल्यूरियन के बाद दे से डेवोनियन। उसके बाद सिल्दे कार्बोपर्म, कार्बो से कार्बोनिफेरस। जब पूरे दुनिया का 98% कोयला बना था, वो युग है कार्बन, किसी से कार्बन नाम पड़ गया कार्बोनिफेरस। अब पर्म से परमियन। कैम्बोर्डो सिल्दे कार्बोपर्म से काम हो जाएगा इनका। यानी पेलियोजोइक कितने भागों में बटा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दुनिया के सारे युग कितने भाग में बटे, पांच युग में। उसमें पहला बटा है दो भाग में, अबायोटिक अबायोटिक,
और ये बटा है दूसरा वाला सेक्शन छः भाग में, मतलब जैसे ही बायोटिक खत्म होगा, बायोटिक या जोइक क्या आ जाएगा, कैम्ब्रियन। इसीलिए सुनो बच्चा, ए जोइक को प्री कैम्ब्रियन भी कहते हैं, यानी कैम्ब्रियन से पहले वाला युग, इसका दूसरा नाम भी है प्री कैम्ब्रियन। काहे बोलते हैं, काहे प्री कैम्ब्रियन, यानी कैम्ब्रियन जब आया उससे पहले था ही। तो ए जोइक को बोल चाल में हम प्री कैम्ब्रियन या प्री पेलियोजोइक भी कह देते हैं, प्री पेलियोजोइक या प्री कैम्ब्रियन दोनों बोलते हैं। कभी कहीं लिख दे तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब कैम्बोडो सिल्दे कार्बोपर्म, मछली पहली बार डेबोनियन पीरियड में आया था, पहली बार मछली किस पीरियड में आया था, डेबोनियन को डेबोनियन भी लिखते हैं, डेबोनियन पीरियड में पहली बार क्या आया था, मछली आया धरती पर। मैंने मछली हमसे सीनियर है, इंसानों से बहुत पहले आ चुका है, तभी ना गुस्सा में खाते हैं उसको। आ गया ही। अब यहाँ पर विज्ञान चल रहा है, यहाँ धर्म नहीं चलेगा। हम भाई धर्म अलग रखिए, धर्म और विज्ञान को जब बात आ जाए तो दोनों को सेपरेट पोजीशन पर रखिए। जहाँ बैलेंसिंग की बात हो, इम्बैलेंस, दोनों अपना अपना काम, धर्म अपना काम करे, विज्ञान अपना काम करे। अब बात जहाँ इम्बैलेंस किया है तो धर्म विज्ञान को बैलेंस करे, विज्ञान धर्म को बैलेंस करे। ये होना न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, जैसे तीनों स्वतंत्र हैं, जहाँ इम्बैलेंस की बात होती है एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, वही बात यहाँ होना चाहिए। हम तो यही मानते धर्म को। आगे मेसोजोइक, इसका तीन भाग, मेसोजोइक कितना भाग, तीन भाग। इसका पहला भाग है ट्रियासिक, और दूसरा है जुरैसिक, और तीसरा है क्रिटेशियस। डायनासोर पहली बार ट्रियासिक युग में आया, इसी युग में तीन आंख वाली छिपकली भी आया, जिसको स्फेनोडन मान नाम था, स्फेनोडन नाम की छिपकली आया। जुरैसिक युग में डायनासोर अपने पीक पे चला गया, और क्रिटेशियस में खत्म, यानी मेसोजोइक में ही आया और मेसोजोइक में खत्म हो गया। तब ने मूवी बना जुरासिक पार्क। भैया ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस, दुनिया का 98% कोयला इसमें बना था, लेकिन दुनिया का 2% कोयला क्रिटेशियस युग में बना। टोटल 100% कोयला दो युग में बना, और 98% कार्बोनिफेरस युग में, और 2% नहीं। इसमें मजा आता है, पीपीटी में अगर इसको पढ़ाते तो फिर वही होता आता है। हो गया जी। अब सीनोजोइक का इतना उतार लिए ना, या इसका फोटो खींच लीजिए, उतार न लिए तो क्या भाई, यही ना बोल रहे थे, तुम कौन है, कौन बोला था, यही ना बोल रहे थे, याद करवा दिया सब युग के नाम 2 मिनट के अंदर चुटकी बजा के। ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस, यानी टीजे के याद करना, टीजे के, या फिर ऐसे करना ट्रीजुक्री। ट्रियासिक ये तो याद आ जाएगा, ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस, ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस, मेसोजोइक के तीन भाग याद हो जाएगा ना भाई। ओए क्या चाहिए, इधर देखो, क्रिटेशियस युग जो है, सुनो मेरी बात, जो क्रिकेट क्रिटेशियस युग है, इसी में डेक्कन लावा प्लेटू भी आपका बना था। जो भारत का डेक्कन लावा प्लेटू है ना, हम पढ़ाएंगे प्लेटू का पार्ट जब इंडिया शुरू करेंगे कल से, तो डेक्कन लावा प्लेटू, ठीक है ना। और फिर बाकी 15 मिनट वर्ल्ड चलता रहेगा रोज, ठीक है। तो डेक्कन लावा प्लेट्यू इसी युग में बना था, जो भारत का सबसे बड़ा पठार है, इंडिया का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा पठार कौन है, डेक्कन लावा प्लेट्यू। अब सुनिए, उतार लिए थे ना, अब ये सीनोजोइक के कई भाग है, इसीलिए मैं पेज चेंज कर लिया। सीनोजोइक का जो पहला भाग है उसका नाम है प्लेयोसीन, प्ले याद करना, ऊपर में 2 पाई देना, प्लेयोसीन। उसके बाद लिखिए दूसरा, अगला प्लेयोसीन के बाद ईओसीन। ऐसा लग रहा है कि ये सब दाद खाज खुजली के दवाई के नाम लिख रहे हैं, ईओसीन। उसके बाद आइए, उसके बाद ओलिगोसीन। ये लग रहा है कि बुखार की दवाई है,
ओलिगोसिन, मायोसिन, ये लग रहा घाव का दवाई है। सीन आगे से होगा भाई, ओलिगोसिन, मायोसिन, मायोसिन के बाद पलायोसिन, पलायो नहीं पायो, पलायो नहीं भैया, पलायोसिन, पलायोसिन। देखो ये पलायोसिन है, ये पलायोसिन, अंतर समझ में आ रहा है? बता दें आपको विद्यार्थी जी, किसी युग में हमारा काराकोरम और हिमालय बना, काराकोरम और हिमालय का निर्माण इसी युग में हुआ, सीनोजोइक। इस युग को इंडिया के हिसाब से अल्पाइन युग कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्पाइन युग, लिख लीजिए भैया। इस युग को अल्पाइन, अंग्रेजी में भी अल्पाइन कहते हैं, अल्पाइन एरा। भाई इसी युग में काराकोरम और हिमालय बना, भारत की नवीन मोड़दार पर्वत न्यू फोल्ड माउंटेन का निर्माण किस युग में हुआ? सीनोजोइक। भारत के न्यू फोल्ड माउंटेन का निर्माण किसमें हुआ? सीनोजोइक। सीनोजोइक शुरुआत कब से हुआ? ईओसीन से। अब बनता गया, अभी भी तो बन ही रहा है, हिमालय का निर्माण अभी भी जारी ना है जी, तो बनना शुरू हुआ ईओसीन में और कंप्लीट हो गया प्लायोसीन तक आते आते। कौन कौन? काराकोरम, ग्रेटर हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय। बस मिडिल हिमालय तक कंप्लीट हुआ, यहां तक में कौन कंप्लीट हुआ? सिर्फ मध्य हिमालय तक, यानी पीर पंजाल तक, ऊपर से चले काराकोरम से ना, तो मिडिल हिमालय तक कंप्लीट हुआ। लेकिन इधर देखो, शिवालिक का निर्माण यहां शुरू होता है, इसी युग में शिवालिक शुरू होता तो है, लेकिन कंप्लीट अगला में होगा, नियोजोइक में, अगला में होगा नियोजोइक। अंतिम मेरा कौन है जी? नियोजोइक। नियोजोइक के दो भाग, प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन और होलोसीन, प्लिस्टोसीन और होलोसीन, यही हम लोग अभी बैठे हैं किस में? होलोसीन में भी पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, होलोसीन। तो भैया पूछा जाए कि शिवालिक का निर्माण किस में शुरू हुआ? पलायोसीन। अब बन के कंप्लीट किस में हुआ? प्लिस्टोसीन, यानी बन के नियोजोइक में तैयार हुआ, बनना शुरू शिवालिक। इसलिए शिवालिक भारत का सबसे नया पर्वत है, पूछता है परीक्षा मैंने जी, शिवालिक भारत का सबसे नया पर्वत है, उतार लिया इसको तो सुनिए मेरी बात। प्लिस्टोसीन में बन के तैयार हुआ शिवालिक, और शिवालिक भारत का सबसे किसी नाते क्या हो गया? नया। और सुनिए, प्लिस्टोसीन युग में धरती का अधिकांश हिस्सा, सुनो भाइयों उतारने वाले फोटो खींचने वाले, प्लिस्टोसीन युग में शिवालिक का निर्माण कंप्लीट हुआ, लेकिन धरती का अधिकांश हिस्सा चारों तरफ बर्फ से ढक गया, समुद्र के पानी भी किसमें बदल गया? बर्फ में। और समुद्र का स्तर चला गया बहुत नीचे, समुद्र का पानी बर्फ में अगर बदल जाएगा तो समुद्र का, जहाँ पर समुद्र में कभी 100 फीट गहराई थी पूरा बर्फ बन गया, तब समुद्र में जाइएगा तो बहुत दूर जाना पड़ जाएगा, समुद्र काफ़ी पीछे चला गया, पूरा पानी बर्फ बन गया चारों तरफ। कहते हैं कि एक समय था जब साउथ पोल का हिस्सा हुआ करता था, कहाँ? डरबन के पास, अफ्रीका में, मतलब पूरे धरती पर हिम युग आया। क्वेश्चन आता है एक बड़ा हिम युग कब आया? ग्लेशियल पीरियड अंग्रेजी में बोलते हैं, ग्लेशियल पीरियड आया पूरे धरती पर कब? प्लिस्टोसीन में। और पता है जी, ये जो ग्लेशियर वाला पीरियड आया, चारों तरफ बर्फ से ढक गई धरती, इसको भी हम बांटते हैं चार युग में। जो हिम युग आया ना, इस हिम युग प्लिस्टोसीन में जो हिम युग आया वो चार अलग अलग फेज में आया, इसी क्रम से। सबसे पहले आया गुंज, फिर आया मिंडल, और फिर आया रीस, और फिर आया वूर्म, क्रम से है भैया, कभी कभी अरेंज करने दे देता है, गुंज, मिंडल, रीस, वूर्म, कौन सही क्रम है? प्लिस्टोसीन में जो ग्लेशियल पीरियड आया उसके चार भाग, गुंज, मिंडल, अभी सब रटे हैं हम बैठ के अपने परीक्षा के लिए, आपको लिखवा रहे हैं। पीटी में पहले आता था ना भूगोल, तो भैया करना पड़ता था एक पॉइंट, गुंज, मिंडल, रिसबुर्म, गुंज, मिंडल, रिसबुर्म, गुंज, मिंडल, रिसबुर्म, है ना जी भैया? हिम युग आया और कौची हुआ? शिवालिक बन के तैयार हुआ। गुंज, मिंडल, रिसबुर्म नाम के चार अलग अलग हिम युग आया प्लिस्टोसीन में, और प्लिस्टोसीन में कौन बन के तैयार हुआ? शिवालिक। अब भारत में सबसे नया पर्वत कौन है? शिवालिक। इसीलिए कमजोर है ना, अभी उसको मजबूत होने में टाइम लगेगा, अभी जन्मे लिया है, गिरे पिरेगा तो पूरा गिरता है, शिवालिक
शिवालिक गिरते रहता, हमेशा लैंडस्लाइड होता रहता उसके अंदर। होलोसीन में आया, दुनिया का सबसे बड़ा दानव मानव, दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस कौन आया? इंसान, मानव आया। धरती पर आने वाला होलोसीन में इंसान आया। आप कब आए? होलोसीन में। इंसान का सबसे नजदीक का जो प्रजाति है, बंदर की प्रजाति, वह है ओरांग बुटेन। पूछा जाए इंसान के सबसे नजदीक की प्रजाति, बंदर की कौन सी प्रजाति इंसान के सबसे नजदीक का पूर्वज माना जाता है? ओरांग बुटेन। ओरांग बुटेन याद रखेगा, ओरांग बुटेन नजदीक का है। लेकिन सबसे पहला जो मानव बना, वो मानव का नाम था, धरती पर आने वाला पहला मानव, लिखो नियंडरथल मानव। नियंडरथल, नियंडरथल मानव। और दूसरा मानव था क्रोमैग्नन मानव। क्रोमैग्नन यानी होलोसीन में जो मानव आया, वो दो मानव आया, कौन कौन? नियंडरथल मानव और क्रोमैग्नन मानव। और उसके बाद बना ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, रामापिथिकस, सुने होंगे ना आप लोग, ड्रायोफिथिकस, होमोसेपियंस, ये सब बहुत बाद के बात है। शुरुआत में कौन आया? नियंडरथल मानव और क्रोमैग्नन मानव, नजदीक का पूर्वज ओरांगुटेन। क्लियर है भाई? ये होलोसीन में आए सभी लोग। धीरे धीरे इंसान होमोसेपियंस में बदला, अब तो और भी कई चीजों में बदल रहा है। तो होलोसीन याद हो गया जी? चलिए तो जाइए छुट्टी। हमारी इच्छा पूर्ण हो गया बच्चा।